वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून की शिकंजे में से कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त, तो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो या अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है, उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है। और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे बड़ा विश्वास है कि विगत 5 वर्ष के अंदर जिन कार्यक्रमों को लेकर के यूपी पुलिस बढ़ी है, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हम प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के शासन की इस मंशा के अनुरूप अपने कार्यपद्धति को आगे बढ़ाएंगे।